आज गुजरात में होगा बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, तैयारियां पूरी। गांधीनगर में दोपहर 2 बजे से शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता होंगे शामिल। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी होंगे शामिल। शपथ ग्रहण से पहले सीएम हाउस में हुई बैठक, 16 विधायक बनाए जा सकते हैं मंत्री। बीजेपी से पहली बार चुनाव जीतने वाले अल्पेश ठाकोर को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह, हार्दिक पटेल का बयान, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। गुजरात के 18वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरों का भी कॉम्बिनेशन, संभावित मंत्रियों की लिस्ट में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर भी जोर। गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, पिछले 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज है बीजेपी। भूपेंद्र पटेल को चुना गया बीजेपी विधायक दल का नेता, गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से जीती है रिकॉर्ड 156 सीटें। हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाला कामकाज, सचिवालय में हुआ जोरदार स्वागत। आज हिमाचल प्रदेश में हो सकता है सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल का विस्तार, 10 और मंत्रियों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। कांगड़ा से सुधीर शर्मा, चंद्र कुमार और संजय रत्न मंत्री पद के दावेदार, आशीष पटेल के नाम की भी चर्चा। शिमला से विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर मंत्री पद की दौड़ में शामिल, नंदलाल और कुलदीप सिंह राठौर की भी दावेदारी। मैनपुरी से जीतकर संसद पहुंची डिंपल यादव ने ली लोकसभा सदस्यता की शपथ, सोनिया गांधी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज बूंदी से शुरू हुई, यात्रा में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अचानक दिल्ली हवाई अड्डे का मुआयना किया, मुसाफिरों की समस्याएं सुनी, भीड़भाड़ से निजात दिलाने की कोशिश। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू की नई किडनी ठीक तरीके से काम कर रही है और उनके बहन की भी रिकवरी तेजी से हो रही है। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, सुकेश चंद्रशेखर के करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपों पर सुनवाई। भगौड़े आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़े मिशन में जुटी एनआईए, 10 देशों में चलाएगी अभियान, विदेशी सुरक्षा एजेंसियों से तालमेल बिठाने की तैयारी। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा अगली बार जो बनेगा वो थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनेगा। नीतीश का बीजेपी पर वार, कहा 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वजह से जेडीयू को मिली कम सीटें। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, दिल्ली में नीतीश जी को 6 महीने का समय दे दीजिए, 2024 लड़ाई 6 महीने में हो जाएगी खत्म। केसी त्यागी ने कहा नीतीश कुमार ही एक ऐसा नेता है जिन्हें ना ईडी का डर है और ना सीबीआई का। नीतीश के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने किया पलटवार, कहा भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा लेकिन 2025 में जेडीयू मुक्त हो जाएगा बिहार। विपक्ष के निशाने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों के इस्तेमाल का आरोप। उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर साधा निशाना, कहा मां बहनों की सुरक्षा के लिए खरीदी गई गाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल शर्मनाक। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी का हमला, बोली निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों से महिलाओं को नहीं विधायकों को मिल रही है सुरक्षा। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए केंद्र ने बनाया था फंड, 30 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई थी 220 बोलेरो 35 अर्टिका। आज 72 साल के हुए मेगा स्टार रजनीकांत, मदुरई में फैंस ने 72 किलो का केक काटकर मनाया जन्मदिन, चेन्नई में घर पर लगी प्रशंसकों की जमघट।
जीएसटी छापेमारी को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अगले 72 घंटों तक छापे नहीं मारने का आदेश, व्यापारियों के आक्रोश के चलते लिया फैसला। यूपी में शहर शहर जीएसटी के छापे से मचा हड़कंप, गोरखपुर में दुकानें बंद कर भागे कारोबारी। सहारनपुर में भी जीएसटी सर्वे के खिलाफ सड़क पर उतरे दुकानदार, बीजेपी नेताओं का घेराव कर किया नारेबाजी। महोबा में हुई जीएसटी रोड के डर से बंद हुई दुकानें, कारोबारियों ने किया था प्रदर्शन, छापेमारी बंद करने की मांग की। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी दिया था बयान, कहा था बेवजह किसी कारोबारी को परेशान करने वाले अधिकारी पर होगा एक्शन। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खराब, स्थिति ठंड बढ़ने के साथ ही स्मॉग का स्तर भी बढ़ा। मैंडिस चक्रवाती तूफान का असर, पुणे के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर हुई बारिश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में मैंडिस तूफान के चलते तेज बारिश, किसानों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना, धान की फसल को नुकसान। तिरुपति में चक्रवात के चलते मौसम में बड़ा बदलाव, तेज बारिश और हवा के चलते कई पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिरे, आवाजाही हुई प्रभावित। उत्तर प्रदेश में सर्दी और घने कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित, कई ट्रेनों के समय में बदलाव, विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी। खबरों की दुनिया में आज तक ने फिर लहराया अपना परचम, आईटीए गोल्डन लॉरेल अवार्ड से नवाजा गया। आज तक एक न्यूज चैनल नहीं है, वो एक मूवमेंट है, वो अभी ब्रॉडकास्ट में नहीं है सिर्फ, वो है वेब पे, मोबाइल पे, ऐप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आईटी अवार्ड में हर साल की तरह इस साल भी आज तक का डंका, नंबर वन मीडिया समूह को आईटी अवार्ड भी मिला। इंडिया टुडे ग्रुप की चेयरपर्सन कलीपुरी ने कहा आज तक का मतलब है नामुमकिन को मुमकिन करना। आज तक का मतलब है नामुमकिन को मुमकिन करना, और ये है कि एक न्यूज चैनल को, एक मीडिया कंग्लोमरेट का अवार्ड मिला है, ये है नामुमकिन को मुमकिन करना। और ये कैसे होता है, क्योंकि आज तक की पूरी टीम एक फैमिली के जैसे काम करती है। पंजाब के मुक्तसर साहिब में चलते ट्रक में गेहूं चोरी करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने वाली संस्था के कार्यक्रम में हुए शामिल, युवाओं को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया। करनाल के कार्यक्रम में दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने युवाओं को दिया नशे से दूर रहने का संदेश। कर्नाटक के मैंगलोर में डॉग शो का आयोजन, अलग अलग नस्ल के कुत्तों ने जीता लोगों का दिल। बिहार के छपरा में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी ने कुएं में लगाई छलांग, गांव वालों ने बचाई जान, परिजनों ने करवाई शादी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कूनो नेशनल पार्क को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, नामीबिया से आए 8 चीतों के हेल्थ का अपडेट लिया। दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाए जाने की चल रही है बात, केंद्रीय वन मंत्री ने अधिकारियों से तैयारियों पर की बात। राजस्थान के करौली में एक शख्स ने पेश की दरियादिली की मिसाल, गरीब दिव्यांग और बेसहारा लड़कियों की करवाते हैं शादी। लखनऊ में बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 5 ठग किए गए गिरफ्तार, मीटर रीडिंग धीमी कर वसूलते थे मोटी रकम। झारखंड के चाईबासा जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कोल्हान इलाके से 12 IED किया बरामद। राजस्थान के बाड़मेर जिले में रसायन के गोदाम के बाहर खड़े टैंकर से गैस रिसाव की घटना, कई लोग गैस की चपेट में आए। गैस रिसाव की चपेट में आए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, गैस रिसाव वाले टैंकर को आबादी रहित क्षेत्र में ले जाया गया। एमपी के छिंदवाड़ा का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में एक शख्स हाथ से पिस्टल लेकर हवाई फायर करता नजर आ रहा है, पुलिस ने हवाई फायर करने वाले शख्स की पहचान की।
मथुरा के गोविंदनगर में मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते समय मोबाइल सेट फटा, 13 साल के बच्चे का शरीर झुलसा, अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के किनारे पुलिस का छापा, 120 लीटर शराब जब्त। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में हुए शामिल, सीएम खट्टर ने परशुराम जयंती को गेजेटेड हॉलीडे बनाने का ऐलान किया। कानपुर में डिजिटल लाइटिंग के जरिए दिया गया संदेश, कानपुर के ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका के बारे में बताया गया। शोपिया में सेना की ओर से जश्न चिल्लई काला उत्सव का आयोजन, घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देना, कश्मीर की विरासत को संजोना और समृद्ध करना मकसद। केरल के मंत्री एके शशिद्रन ने महिलाओं के लिए पिंक फिटनेस सेंटर का किया उद्घाटन, जिम में एक्सरसाइज करती नजर आई महिलाएं। हैदराबाद के 78 साल के बुजुर्ग को अनोखा शौक, 200 से ज्यादा देशों के स्टाम्प सिक्कों और नोटों का संग्रह। जयपुर के यूथ हॉस्टल में संविधान कथा का आयोजन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की शिरकत, का विकसित भारत के लिए हर महिला का शिक्षित होना जरूरी। जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज ने बाराबंकी के कुंतेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, कई साधु संत भी रहे मौजूद। एमपी के रायसेन में ओशो आचार्य रजनीश का 91वां जन्मोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया, ओशो की याद में जापान की शिशा ने हिंदी में गाया गाना। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 141वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, कहा तमिल और संस्कृत ने अपनी समृद्ध विरासत के साथ साथ भारत की दूसरी भाषाओं को भी समृद्ध किया। चौदहवीं शताब्दी के सूफी संत मखदूम फकीर अली महिमी के सम्मान में मुंबई में माहिम मेले का आयोजन, भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में ड्रोन की तैनाती करेगा भारत, चीन की हरकतों पर नजर रखने में मिलेगी मदद। कश्मीर की घाटी की लड़कियों में बढ़ रहा है बास्केटबॉल को लेकर क्रेज, घाटी में खेल को बढ़ावा देने के मकसद से बास्केटबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। केरल में फीफा वर्ल्ड कप का खुमार, त्रिशूर में फुटबॉल फैन और कलाकार पत्तों पर बना रहे हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तस्वीर। मणिपुर में एक स्कूली छात्र ने स्कैनर कॉल ऐप बनाया, लोग कर रहे हैं तारीफ। पुंछ में बागवानी विभाग की ओर से ट्यूलिप फूलों के बीजों की बुआई शुरू, कई हेक्टेयर में की जा रही है ट्यूलिप की खेती।